कभी ऐसा हुआ कि गोली, जैसे 2017 में लगभग फायरिंग वगैरह हुआ था ना पाकिस्तान की तरफ से? फायरिंग फ्रॉम द श्री गंगानगर राजस्थान। तो आज मैं इस धर्मशाला में रुका हुआ था, मैं आपको बता दूंगा कि क्या चार्ज है। लगभग इसका 150 रुपीज चार्ज है पर नाइट का। आपको एक कमरा दिया जाएगा जिसमें आप 24 आवर्स स्टे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल स्टेशन के लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा और लगभग 100 मीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने अगर कभी रुकते हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका धर्मशाला है और मेरा कमरा सामने था, केवल आपको एक कंबल और एक बिस्तर दिया गया था। किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, आप सब 150 रुपीज़ चार्ज तो लेते हैं लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। तो और अगर आप चरपाई लेना चाहते हैं या बेड लेना चाहते हो तो केवल आपको नाइट में ही अलाउ है यहाँ पे, और लगभग उसका जो चार्ज आएगा 60 रुपीज़ रहेगा आपका चार्ज। तो आज मैं जाऊँगा हिंदूमल कोट, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव है हिंदूमल कोट, वो काफ़ी हिस्टोरिकल है और वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये जो चौक देख रहे हैं, इस चौक का नाम है महाराजा गंगा सिंह चौक। तो चौक के एक तरफ आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, जिधर एक तरफ आपको हिंदूमल कोट जिधर मुझे जाना है। तो अगर आप बस से अगर हिंदूमल कोट आप जाना चाहते हैं तो लगभग आपका लगभग 40 रुपीज़ या 45 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रक या ट्रैक्टर बहुत चलते हैं तो मैं एक ऑप्शन देख रहा हूँ कि शायद लिफ्ट मुझे मिल जाए। और यहाँ पर यार एक चीज़ और मैंने देखा, यहाँ पर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है यहाँ पर हर चीज़ के लिए प्लास्टिक। लेकिन मैं हिमाचल में, अगर मैं यही हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत लोग सजग हैं यार इस चीज़ से लेकर, वहाँ बहुत कम यूज़, मतलब कि लगभग 5 से 6% आपके प्लास्टिक यूज़ करेंगे हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। तो हिंदूमल कोट एक थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है आपका, क्योंकि वो बॉर्डर के पास है, तो वहाँ के लिए बस अगर आप बस से जाते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि 45 किलोमीटर का अप्रॉक्स है हिंदूमल कोट, आप बस स्टैंड से आपको लगभग जो किराया होगा वो 50 से 55 रुपीज़ अप्रॉक्स है आपका किराया। तो अभी भी मैं बस में बैठा हूँ, ये राजस्थान की बस है, मेरा पहला बस ही। तो मुश्किल आपको थोड़ा तब होता है जब आप रिमोट एरिया में जाते हैं, तब मुश्किल नहीं होता जब आप सिटी या फिर इसमें जाते हैं तो। और इसमें आप पैदल भी चल सकते हैं क्योंकि सिटी में आपको सिटी या फिर जहाँ पर हौच पच का एरिया है उसमें कुछ देखने को मिल जाता है, तो आप देखते देखते जब नया शहर या नए जगह पर आते हैं तो देखते देखते वहाँ पर आपका आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने दूर चल चुके हैं। लेकिन आउट एरिया में क्या है कि केवल आपको ज़्यादातर खेत ही दिखेगा। यहाँ पे ऐसे ही बॉर्डर घूमने आया था गांव। इसे तो हम संतरा बोलते हैं, संतरा अलग होता है, ये किन्नू है, एक संतरा होता है, एक किन्नू होता है, एक मौसमी होता है अलग। अच्छा। इसी तरह इसी सेब के अंदर आते हैं। ओ किन्नू। हाँ। क्या खाने में क्या खट्टा होता होगा? खाने में खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अच्छा, जैसे संतरा जैसा होता है? हाँ, वैसे 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 वही चीज है, नाम अलग है, वो उसी तरीके का टेस्ट है। ओ चेहरा रहा मेरा इन्होंने किन्नू नहीं रखे गए होते हैं, अगर किन्नू दिखाओ कैसे होते हैं, कौन सा भाग है? लखनऊ है। ये तो बिल्कुल संतरे का जैसा ही है, खाकर देख, टेस्ट तो वही आएगा, संतरे का अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है, टेस्ट में फर्क होगा, है ना? बहुत अच्छा, बस बहुत है। हाँ, वो काफी कुछ चेंज हो गया है। हाँ, चेंज तो हुए है ना, पहले घर ईट वगैरह का इतना नहीं था, कब का मोदी है उसका चेंज हो गया, कब का मोदी आया, जब से मोदी आया। हाँ, मोदी ने पक्के मकान बोले। तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना, पहला दी, यहाँ पर कोई आव नहीं, अब नहीं, सेंटर की।
अच्छा रेंट दे रहे हैं ना पैसा मकान होंगे ना। अच्छा अच्छा, और यहाँ क्या क्या देखने लायक है? सबको देखने के देखो, जनता फिरती है देखने। बहुत क्या मारती भी गया सब। गांव के लेके जा रहे हैं अंकल जी? हाँ जी। किस गांव को लेके जा रहे हैं इन लोगों को? ये लोग कन खेत लेके जाने हैं। अच्छा, तो खेत में क्या करते हैं ये लोग? ये लोग उसे बाग दे बच्चे छड़ांगे, मतलब खड़े बाग दे बच्चे के चारा चरण गया। हाँ, खेत पर क्यों उन गया, समझ गया? ऐसा तो मैं समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया नहीं, चल तेन दस दा मैं। ये इन्हों खाना खवाऊ जाने हैं क्या? खाना खवाऊ बाग में खाना। हाँ खाना। अच्छा अच्छा, खेत में। अच्छा, यहाँ से जो आपको पड़ जाता है ये पंजाब बॉर्डर है आपका, और इधर साइड, और इधर साइड आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, और इधर साइड आपका राजस्थान, राजस्थान का मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इधर साइड में। चल ले। आओ ये देखो किन्नू पड़े कितने। तो ये सब किन्नू जो खराब हो चुके हैं क्या? ये जो यानी कि गिर जाता ना। हाँ, पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं। हाँ, नीचे वो बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ये काम का नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हमारे इलाके में किन्नू बहुत ज्यादा होता है। हाँ ये तो है, किन्नू के लिए श्रीगंगानगर को जानते हैं। हमारे इलाके में किन्नू ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो बेकार होता है। तो ये यहाँ किन्नू खाने आए हैं। किन्नू खाएंगे अब वो किन्नू का बाघ नहीं, वो हाँ वो सामने खड़ा है। हाँ, वो उस बाघ में छोड़ेंगे हम जाकर। अच्छा, वो बाघ खड़ा है किन्नू का। क्या मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, वैसे आप लोगों को फिर कहा क्या जाता है? आप लोगों को क्या कहा जाता है हमारे को? हाँ, कैसे? जैसे कि आप लोग ये चलाते हैं ना, तो आप लोगों को जैसे हम लोगों को राजपूत वगैरह या फिर किसी अनदर कास्ट को ये कहता है, आप लोगों को क्या कहा जाता है यहाँ पे? हमारे को तो ग्वालिया बोलते हैं। ग्वालिया? ग्वालिया यानी कि भेड़ चराने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो एक एक गधे को इसलिए रखते हैं ताकि इसमें पानी खाना वगैरह ये रह सके, जो भी चाय का सामान इसमें। अच्छा, और फिर वो बाग में जाकर आप फिर बनाएंगे? आधा घंटा चलेगी, फिर उसके बाद हम चाय बनाएंगे। तो गैस भी रखते हैं कि? वैसे चूल्हा बना रखे वहाँ पे। भैया ये वाली आवाज कैसे निकालते हैं आप? केड़ी ऐसे नहीं, एक दूसरी वाली अभी जो निकाले थे आप, अभी जो और भी और दूसरा आवाज निकाला था उस वक्त आपने कहा ऐसे करके? अच्छा, हाँ हमारे लखनऊ के तरफ भी कभी कभी ऐसे आते हैं चलाने वाले, जैसे कि गांव हमारे तरफ भी गांव है ना, अभी पूरा लखनऊ इस तरीके से है नहीं, तो आते हैं कभी कभी। आपके पास उधर भेड़ नहीं है? नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं है, मतलब कि जो आसपास का जो गांव का इलाका है, जैसे ऊना कह रहा हूँ मैं, कानपुर जैसे कुछ हो गया, कानपुर देहात वगैरह हो गया, तो वहाँ पर कुछ गांव होते हैं, वहाँ पर भीड़ है। हाँ, वहाँ पर कुछ भीड़ आपको मिल जाएंगे, बाकी ये सब तो ठंडे इलाके में ज्यादा होते हैं ना। नहीं, हमारा इलाका कौन सा ठंडा है, ज्यादा गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ती है, ये तो सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए मैं दिसंबर उसमर के महीने में नहीं आया था मैं। ओ तो होने ये तो वीडियो बनाता है। ये तो वीडियो सही अंकल जी। वीडियो बनाता जी। अपनी रोटी खा। बस छौक है। जाके आपके पिंड दिखाऊंगा। इधर आया जी ये जाकर नहीं। अच्छा। घूमना। आया किसी को तेरे को? ना ना, अपने को तो किया है घूमना, बॉर्डर देखना आया सी जी। अच्छा। इत्थे माल आ जांदा सी अपना ते वीडियो बना पाऊंगा। इधर तुरे आया पंजाब से भी होके आ गया मैं। अच्छा, हाँ कई दिन तो घूमता। आप पंजाब से है ना? नहीं, हम राजस्थान से हैं।
तो ये है किनू की खेती। ओके फाइनली बना रहा मूवी। अच्छा अच्छा यहाँ तो आते जाते बेकार हो जाता होगा गिर के। ये तो है ना, ये खराब हो गया ना। हाँ फिर ये सब भेड़ वगैरह ऐसे खाते होंगे आराम। हाँ खा जाएंगे, सब खा जाएंगे। पूरा बूटा भरा हुआ फूल। तो यहाँ के खेत में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो अधिकतर जो काम करते हैं वो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अभी जो है किनू की कटाई चल रही है, तो इनको मैं ये ऊपर कटिंग कर रहे थे तो मैंने इनको बोला कि एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए आप। तो ये शर्मा रही थी उस वक्त। अरे आंटी जी, आंटी जी थोड़ा नीचे देखिए, नीचे नीचे नीचे। हाँ इसको इसको थोड़ा आगे से हटाइए। हाँ रुकिए एक मिनट एक मिनट। हाँ अब सही है, अब बहुत क्लियर आ रहा है। खींच के खींच। तो ये जो मेरे पीछे आप हरियाली देख रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। लगभग 1899 और 1901 की बात मैं करूं तो उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। तो उस वक्त ये श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और अभी मैं जिस गांव में हूँ वह हिंदू मलकोट एक गाँव है जो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और श्रीगंगानगर अभी फ़िलहाल एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पहले बीकानेर स्टेट में काउंट हुआ करता था। तो उस वक्त के जो महाराज थे श्री गंगा जी, जो महाराज थे गंगा सिंह बहादुर जी जो महाराज थे, उन्होंने सोचा कि इस भुखमरी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो एक यहाँ पर गंगा कैनाल का प्रस्ताव उनके माइंड में आया। वो ये माइंड में तब आया जब उन्होंने एक इंजीनियर को लेके आए, पंजाब के आरजी कैनेडी एक इंजीनियर हुआ करते थे, तो वो उनको यहाँ लेके आए, यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया, दिखाया उनको। तो उन्होंने एक कैनाल बनाने का प्रस्ताव रखा कि जो सतलज नदी का जो पानी है जो पंजाब हिमाचल से जो आता है उसको गंगा कैनाल के द्वारा राजस्थान में लाया जाए। तो उसके बाद इन्होंने एक प्रस्ताव रखा बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त एक ऑब्जेक्शन, एक स्टेट ऑब्जेक्शन बहुत किया। जैसे भावलपुर एक स्टेट हुआ करता था जो आज भी पाकिस्तान में है, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। तो ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर कुछ सलाह मशवरा नहीं हो पाया बनाने के लिए। तो जो महाराज जो थे इंडिया के, जो बीकानेर के जो महाराज थे, उन्होंने फिर लॉर्ड कर्जन की मदद ली 1906 में। तो 1906 के बाद जब उन्होंने इनसे सलाह मशवरा किया तो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ 1920 में, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ जिसमें उन्होंने इसे बनाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इसको गंगा कैनाल को बनाया जाए। तो लगभग 1925 में इसका एक पहला जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में रखा गया, और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी पंजाब में पड़ता है, और वहाँ से गंगा कैनाल की स्टार्टिंग होती है। तो उसके बाद ये लगभग 1927 में इसे बनकर तैयार हुआ, और इसकी जो ओपनिंग की है लॉर्ड्स राय इरविन ने किया था, जो उस वक्त ये वायसराय हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के। तो ये जो आप हरियाली देख रहे हैं महाराज गंगा सिंह बहादुर की वजह से ही है, और उन्हीं के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट भी बना है महाराज श्री गंगा नगर। तो इधर साइड जो खड़े हैं ये मालिक का बाग है, ये बाग के मालिक है, जहाँ जिस खेती दिखाया मैंने आपको, जो खेत दिखाया आपको किनू का, वो उनके मालिक हैं, और ये ठेकेदार है, और ये ठेकेदार है बाग लिया किनू का। हाँ तो जिसे हम लीज पर बोलते हैं इंग्लिश में, तो लीज पर इन्होंने लिया है खेती करने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है अंकल जी? हमारा जी बांग्लादेश जाता है। अच्छा बांग्लादेश भी जाता है? बांग्लादेश बम्बई। अच्छा ये हमारे सरदार जी हैं, सरदार बाबा मलुक सिंह जी। अच्छा इनका हमने बाग ले रखा गर्मियों से। ओ
ठेके पे ले रखा है, लीज पर, लीज पर, वो लीज पर बोला, लीज पर, हां हां वो इंग्लिश में रिकॉर्डिंग कर रहा है, लीज पर, लीज पर लिया। और हमें तो सरदार जी का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद के सहारे हम जी रहे हैं। बहुत बढ़िया निशान है जी। तो एक कैरेट कितने का मिलता होगा? खाली भरा हुआ, भरा हुआ खाली क्या करूंगा मैं। 400 रुपए का, 400 रुपए का रेट है। अच्छा रेट, ये अप डाउन भी होता रहता है इसका? अप डाउन भी होता है। अच्छा मतलब क्या में इसका रेट और ज्यादा हो जाएगा, तकरीबन 28-25-26 रुपए जाएगा। ओ किलो। अच्छा मतलब एक एक कैरेट में कितने किलो होते हैं? 18-20 किलो आता है वजन। अच्छा चलिए। और अपना चैनल यात्रा चर्सी, हाँ हाँ ठीक है।